वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स, और उसमें जो शॉप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर्जिंग शॉप, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग शॉप। फॉर्जिंग ऑपरेशन के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं वो क्या ऑपरेशन होता है और कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं और फॉर्जिंग ऑपरेशन की कॉस्ट निकालने के लिए उसके कॉस्ट कॉम्पोनेंट क्या 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 है। मेटेरियल कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ठीक है। तो मेटेरियल कॉस्ट भी में भी हमें देखा कि लॉसेस भी होते हैं इसके अंदर, तो वो कौन कौन से लॉसेस हैं, उनकी क्या क्या मात्रा रहती है, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल के जरिए, दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनके जरिए हम और अच्छे से इसको समझेंगे कि हमें फॉर्जिंग शॉप में एस्टिमेशन कैसे करना है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 200 पीसेज ऑफ बोल्ट आर टू बी मेड बाय अपसेटिंग फ्रॉम 25 मिलीमीटर डाया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच बोल्ट बिफोर अपसेटिंग एंड व्हाट लेंथ ऑफ द रोड इज रिक्वायर्ड इफ 3.5% ऑफ द लेंथ गोज एज स्क्रैप, रेफर द फिगर बिलो। तो ये फिगर जो दी है वो फिनिश्ड हमारा जो कॉम्पोनेंट है या बोल्ट जो बन गया उसकी फिगर दी है। इसके हिसाब से हमने बताना है कि 25 mm डाया का हमारा स्टॉक इनिशियली था, उसको अपसेटिंग की, ठीक है, तो इनिशियली उसकी लेंथ क्या थी, जो हमारा ये बोल्ट बन गया इस साइज का बन गया, उसका हेड क्या है 40 mm का, ठीक है, और 22 mm उसकी लेंथ है, और बाकी जो बचा उसका 25 mm इनिशियल डाया था ही पूरी का, और बाकी जो लेंथ बची वो 112.5 mm। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इसकी इनिशियली लेंथ क्या थी ये बनने से पहले इस एक बोल्ट की, ठीक है। दूसरा क्या पूछना चाह रहा है कि ऐसे ऐसे अगर 200 पीस बनाने पड़े बोल्ट के, तो उसके लिए टोटल लेंथ हमें 25 mm डाया की स्टॉक लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी। अगर उसमें 3.5% लेंथ हम ये मानेंगे, 3.5% जो स्क्रैप में चली जाती है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन अगर हम करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि आइडेंटिफाई ऑपरेशन कौन सा, अपसेटिंग ऑपरेशन है। अपसेटिंग ऑपरेशन आपको मालूम ही है, जिसमें हमें क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना होता है एट द कॉस्ट ऑफ लेंथ। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या एरिया में, इनिशियल डायो होल लेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है, D1 उसको मान लिया, तो 25 mm जो था पूरी लेंथ का, एक ही डाया था ना शुरू में, तो 25 mm, तो वो D1 उसको हमने नाम दे दिया। फाइनल डाया ऑफ हेड ऑफ बोल्ट, उसको D2 नाम दिया, हेड का जो फाइनल डाया है, पहले तो 25 ही था पूरी लेंथ का, और जो फाइनल लेंथ, जो फाइनल जो डाया है हेड का, वो 40 mm हो गया। फिर लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ बोल्ट विद डाया D1, अपसेटिंग के बाद जो D1 डाया वाली लेंथ कितनी बच गई, वो 112.5 mm, ठीक है, उसको हमने L1 नाम दे दिया। लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ बोल्ट विद डाया D2, अब D2 किसका है, 40 mm का, तो उस इतने की लेंथ कितनी, वो 22 mm दी है। तो मान लो इनिशियल लेंथ जो बोल्ट की थी ना वो L थी शुरू में, उसकी इसके बनने से पहले वो टोटल लेंथ उसकी L थी, ठीक है, और जो बोल्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था फोर्जिंग से पहले या अपसेटिंग से पहले, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोल्ट बिफोर फोर्जिंग A वाज π/4 D1² क्योंकि इनिशियली तो D1 ही था पूरी लेंथ का, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, π/4 D1² वॉल्यूम ऑफ बोल्ट बिफोर अपसेटिंग, जब हमने अपसेटिंग नहीं की थी तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, मान लो इससे पहले हमारी ये रोड जो थी केवल ऐसे थी, फिर हमने अपसेटिंग की तो फिर ये ऐसा बन गया, ठीक है, इस टाइप से बन गया फाइनल ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, मान लो ये लेंथ इसकी इनिशियली L थी और 25 इसका डाया था, तो वॉल्यूम कितनी होगी, A इंटू L, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू L, तो ये इनिशियल इसकी वॉल्यूम थी अपसेटिंग से पहले, तो A इंटू L, तो π/4 इंटू D1² इंटू L, तो ये इसकी वॉल्यूम थी एक बोल्ट की अपसेटिंग से पहले। वॉल्यूम ऑफ बोल्ट आफ्टर अपसेटिंग वो किसके बराबर थी, V1, किसके बराबर, V1 प्लस V2 क्या लिखा है, क्योंकि जब हमें इस तरह के क्वेश्चन करना, तो हम उसको सिंपल ज्योमेट्रिकल अलग अलग पोर्शन में बांट लेते हैं, एक पोर्शन ये हो गया यहां से यहां तक, एक पोर्शन ये हो गया, तो इसकी वॉल्यूम प्लस हेड की वॉल्यूम V1 प्लस V2, दोनों की वॉल्यूम मिला दे तो इस बोल्ट की वॉल्यूम आ जाएगी बनने के बाद, ठीक है। तो V1 किसके बराबर होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दिस लेंथ,
यानी कि पाई बाय फोर डी वन स्क्वेयर इंटू एल वन, ये एल वन है ना, और वॉल्यूम ऑफ हेड वी टू वो किसके बराबर होगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, पाई बाय फोर इंटू डी टू स्क्वेयर इंटू एल टू, ये हमने एल टू ली थी, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय फोर डी वन का स्क्वेयर इंटू एल, वी वन के बराबर है, ठीक है, ये v1 के बराबर, ये v2 के बराबर, तो टोटल वॉल्यूम जो है बनने के बाद वो किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगी, v1 प्लस v2, ये v1 और ये v2। लेकिन जिससे हमने इसको फोर्जिंग की है, ठीक है, तो फोर्जिंग करने के बाद वॉल्यूम कम तो नहीं होगी, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, चाहे उसकी लेंथ कम हुई तो डायमीटर बढ़ गया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो लेंथ कम हुई है, तो टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, तो इसलिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बोल्ट बिफोर अपसेटिंग शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ बोल्ट आफ्टर अपसेटिंग। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है बिफोर अपसेटिंग, पाई बाय फोर डी वन स्क्वेयर इंटू एल, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, इन दोनों का सम, पाई बाय फोर डी वन स्क्वेयर इंटू एल वन, पाई बाय फोर डी टू स्क्वेयर इंटू एल टू, ठीक है, वी वन प्लस वी टू, ये वी वन और ये वी टू। तो सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई बाय फोर दोनों तरफ है, उनको हमने निकाल लिया, और सिंप्लीफाई करके एल किसके बराबर आ गया, एल इज इक्वल टू डी वन स्क्वेयर इंटू एल वन अपॉन डी वन स्क्वेयर, डी टू स्क्वेयर इंटू एल टू अपॉन डी वन स्क्वेयर, तो डी वन स्क्वेयर दोनों में कॉमन है, तो एल किसके बराबर आ गया, एल वन प्लस डी टू अपॉन डी वन का होल स्क्वेयर इंटू एल टू, तो डी टू कितना 40, डी वन 25, दोनों का स्क्वेयर किया तो एल जो है इसके बराबर होगी, एल इज इक्वल टू 12.5, L1 is equal to 112.5 प्लस जो ये वैल्यू आई, ठीक है ना, यहां पर क्या है ये इंटू एल टू 112.5 प्लस 56.5, ठीक है, ये इससे आ गया, L2 की वैल्यू कितनी है 22, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 169 mm लेंथ आ गई एक बोल्ट की इनिशियल लेंथ जो इसने पूछा है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसने पूछा कि 200 पीस अगर बनाने हैं तो हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए, हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए, तो वो बताया, तो अब एक की तो आ गई इतनी, तो 200 की कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ 200 पीसेस, ऐसे ही अगर 200 पीस बनाए तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 169 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 33,800 लेंथ जो है हमें नेट लेंथ चाहिए, 33,800 मिलीमीटर, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि 3.5% तो स्क्रैप में चला जाता है, ठीक है, तो स्क्रैप लॉस भी निकाल देते हैं इसका 3.5%, ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 33,800, तो ये आ जाएगी हमारे पास स्क्रैप लॉस आ जाएगा 1183 मिलीमीटर, ठीक है, यानी कि हमारे को जो ग्रॉस लेंथ चाहिए, तो नेट लेंथ थी भैया, एक्चुअल में जो बनेंगे उनके लिए तो इतनी ही लेंथ चाहिए, लेकिन लॉस अगर हो जाए तो वो भी तो उसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो ग्रॉस लेंथ कितनी चाहिए हमें, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है, तो 33,800 प्लस 1183, तो कितना चाहिए हमें लेंथ, टोटल लेंथ 34,983 mm या 34.983 मीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो ये किया है, तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये देखना है कि जो हमें अगर हमें टोटल वो निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, इनिशियल भी और जो खरीदनी है वो भी वॉल्यूम, उनको कंपेयर करना है,
फिर जो डाया हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से उसकी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, और एक इन्वायरी को और करते हैं, उससे हमारे को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसमें क्या दिया है, 2000 नंबर ऑफ स्क्वेयर हेडेड बोल्ट्स एज शोन इन फिगर, ये बोल्ट है स्क्वेयर हेडेड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्रॉप फोर्जिंग फ्रॉम 50 mm डाया बार स्टॉक। क्या मतलब इसका कि इनिशियल जो स्टॉक हमारा है उससे हमने ये चीज बनानी है, 50 mm का डाया है उसका स्टॉक का। कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो उसने क्या क्या पूछा है, नेट वेट एंड ग्रॉस वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, 2000 स्क्वेयर हेडेड बोल्ट लगाने बनाने हैं 50 mm डाया बार स्ट्रोक का, तो उसके लिए हमें नेट वेट कितना चाहिए और ग्रॉस वेट कितना चाहिए। नेट वेट और ग्रॉस वेट के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, ग्रॉस वेट क्या होता है, नेट वेट प्लस लॉसेस। ठीक है, और क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, उसकी लेंथ कितनी चाहिए, 50 mm डाया जो बार स्टॉक है उसकी लेंथ कितनी चाहिए हमें 2000 ऐसे ऐसे पीस बनाने के लिए। तीसरा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच एक्सेप्टेबल बोल्ट इफ 5% ऑफ फोर्जिंग्स आर रिजेक्टेड एंड एमएस बार रेट इज 13,000 पर टन। तीसरी बात इसने पूछी है कि इसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, हर एक्सेप्टेबल बोल्ट यानी कि जो बोल्ट पास हो गया, जिसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए हमने बनाया उसने एक्सेप्ट कर लिया हर एक बोल्ट की, उसके लिए हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या रखेंगे अगर उसमें से जो टोटल बोल्ट बने उनमें से 5% जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो 100 बोल्ट बने, फॉर एग्जाम्पल 100 बोल्ट बने हैं तो 5% उसमें रिजेक्टेड हो गए। ठीक है, बचे कितने, 95, तो 95 पे ही वो टोटल मेटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट अप्लाई होगी, जो 5% रिजेक्ट उनकी भी मेटेरियल कॉस्ट इस पे ही अप्लाई हो जाएगी। तो कह रहे जो 95 बच्चे हैं एक्सेप्टेबल उन पे हम डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट क्या लगाएं अगर उसका रेट जो है 13,000 पर टन दिया है। चौथा बात पूछी उसने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ईच एक्सेप्टेबल बोल्ट इफ फोर स्मिथ्स एंड फोर स्ट्राइकर्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस 200 बोल्ट्स पर डे एंड दे आर पेड ₹8 एंड ₹4 पर आवर रिस्पेक्टिवली, एज्यूम 8 आवर्स पर डे। बड़ी लंबी कहानी बता दी इसमें, एक तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पूछी, फिर उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पूछी है एक्सेप्टेबल बोल्ट। ठीक है, एक्सेप्टेबल बोल्ट का मतलब क्या है कि 5% तो रिजेक्ट हो ही रहे, तो बाकी जो बचे उन पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या चार्ज करें। अगर दो तरह के उसके पास वर्कर, एक तो स्मिथ है और एक स्मिथ और स्ट्राइकर है, चार स्मिथ हैं और चार स्ट्राइकर। स्मिथ क्या, जो कि उसको गर्म करेंगे भट्टी में, और स्ट्राइकर क्या, उसको जो कि ड्रॉप फोर्जिंग करेंगे, ठीक है, हैमरिंग करेंगे। तो चार स्मिथ लगा रखे, चार स्ट्राइकर लगा रखे हैं जो कि 200 वोल्ट एक दिन में बनाते हैं, और उनको स्मिथ को देते हैं ₹8 पर घंटे के हिसाब से, और स्ट्राइकर को देते हैं हम ₹4 घंटे के हिसाब से, और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं वो। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी। ठीक है, पांचवी चीज क्या पूछिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल बोल्ट इफ ओवरहेड चार्जेस आर 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल, इतनी बड़ी लंबी कहानी, ये समझ कैसे आएगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी, और एक न्यूमेरिकल ऐसा है इसमें आपके बहुत सारे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बहुत सारे फंडे क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर पूरा करना, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हो तो छोटे छोटे काफी न्यूमेरिकल्स आपको करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफी चीजें की कैलकुलेशन करना आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। एक तो फिगर को अच्छे से देख लो, इसमें क्या स्क्वेयर हेडेड बोल्ट है, स्क्वेयर हेडेड का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर है 50-50 mm, और उसकी थिकनेस है 20 mm, और जो ये तो हेड का होगा, जो बॉडी बची उसकी उसकी 80 mm तो लेंथ और 25 mm उसका डाया है, और इसका मटेरियल क्या है, देखो इसने एक जगह बता दिया है एमएस बार है, माइल्ड स्टील का है ये। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या पूछा, हम उसको देखते हैं, पहले नेट वेट एंड ग्रॉस वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड।
ये तो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, उसमें लेंथ निकाल ली थी, अगर वेट निकालना तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकल जाती, लेंथ निकल गई थी तो वॉल्यूम से हम वेट निकाल सकते हैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो नेट वेट एंड ग्रॉस वेट, तो पहले देखते हैं हम एक बोल्ट का नेट वेट कितना होगा। नेट वेट ऑफ वन बोल्ट वो किसके बराबर होना चाहिए, इसकी नेट वॉल्यूम जो बना हुआ है उसकी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल। अब डेंसिटी तो हमारे को अलग से दी नहीं, लेकिन माइल्ड स्टील दिया हुआ तो उसकी हमें पता भी होना चाहिए। हम एज्यूम कर सकते हैं 7 से 8 के बीच में इनकी स्टील की डेंसिटी रहती है, तो हम इसको 7.85 इसकी डेंसिटी ले लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो नेट वॉल्यूम कितनी होगी इसकी, नेट वॉल्यूम, तो नेट वॉल्यूम होगी V1 प्लस V2। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लेते थे ताकि उनके अलग अलग वॉल्यूम निकाल के फिर उनको जोड़ दें। तो V1 ये हम एक हिस्सा मान लेते हैं और ये दूसरा हिस्सा मान लेते हैं, तो V1 प्लस V2। तो V1 किसके बराबर होगा, एक इतना सा पीस है जो राउंड पीस है, 25 mm डायर, 80 लेंथ है, तो उसकी क्या हो जाएगी वॉल्यूम, पाई बाय 4, 25 का स्क्वायर, डायर का स्क्वायर हो गया 80 × 80, तो ये आ जाता है 39 260 mm³। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो वो क्यों करेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में, वैसे वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको ये वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होगी। और इसी तरह से V2 किसके बराबर होगा, 50 × 50 × 20, 50,000 mm³, यानी कि 50 cm³। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 89.26 cm³। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर हो जाएगा नेट वॉल्यूम। अब नेट वॉल्यूम आ गई हमारे पास एक बोल्ट की, तो वेट कितना हो जाएगा इसका, नेट वेट ऑफ वन बोल्ट कितना हो जाएगा, वो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, नेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हमने पहले भी लिखा है, ठीक है ना, नेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने कितनी एज्यूम की, 89.26 × डेंसिटी हमने एज्यूम की है 7.85 g/cm³। ठीक है ना, एज्यूम लिख लेना अगर ना दी हो तो, 7.85 g/cm³। अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हमें वेट निकालना है केजी में, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड 1000 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 89.26 × 7.85 / 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 0.7 kg, अप्रोक्सीमेटली हमारा इतना आ जाएगा एक बोल्ट का, और बनाने कितने हैं 2000 बोल्ट, तो नेट वेट ऑफ 2000 बोल्ट्स, तो 0.7 × 2000 = 1400 kg। तो ये आंसर आ गया हमारा, 1400 kg चाहिए हमें, 2000 बोल्ट नेट वेट चाहिए, बनने के बाद इतना वेट होगा, ऐसे ऐसे जब 2000 बन जाए उनका वेट 1400 kg होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालना है दूसरा, नेट वेट तो निकाल लिया, अब हम निकालना है ग्रॉस वेट। अब ग्रॉस वेट किसके बराबर होता है, इक्वल टू नेट वेट प्लस लॉसेस, ठीक है ना। अब लॉसेस तो हमारे को दिए नहीं है, लेकिन नहीं दिए हैं फिर भी हमारे को अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पता है कि कितने कितने परसेंट हम लॉसेस लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये ड्रॉ फोर्जिंग है तो इसमें वो सब तरह के लॉसेस हमें इंक्लूड करने चाहिए। कौन कौन से लॉसेस थे, फ्लैश लॉस, ठीक है, और टोंग होल्ड लॉस, स्क्रू लॉस, ठीक है, स्केलिंग, स्केल लॉस, तो इस टाइप के जितने भी लॉसेस हम उनको इंक्लूड करके फिर हम ग्रॉस वेट निकालेंगे।
ग्रॉस वेट किसके बराबर? नेट वेट प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से कंसिडर करेंगे हम? फ्लैश लॉस भी होगा, स्केल लॉस भी होगा, टोंग होल्ड भी लॉस होगा, स्प्रू लॉस भी होगा, कट वेस्ट लॉस भी होगा। ये सारे लॉसेस के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्लैश लॉस। फ्लैश लॉस किसके बराबर होता है? जो फ्लैश की विड्थ है और उसकी थिकनेस है, ठीक है, विड्थ इंटू थिकनेस इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द पार्टिंग लाइन ऑफ द डाई। याद आ रहा है क्या मतलब इसका? मैंने पीछे भी बताया था, मान लो ये दो डाई हैं, ठीक है ना, एक डाई ये अपर डाई हो गई जिसको हमने ड्रॉप करना, और एक ये नीचे वाली डाई हो गई, ठीक है। तो ये बोल्ट जो है मान इस टाइप की डाई से बना है, तो आधा हिस्सा इस बोल्ट का ऊपर वाली डाई में बना है और आधा हिस्सा नीचे वाली डाई में। तो ये जब ड्रॉ फोर्जिंग होगी तो इसके अंदर आएगा तो कुछ मेटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा, कैविटी जो बना रखी, इसका इंप्रेशन जो बना रखा डाई के अंदर इसका, उसे थोड़ा बाहर निकलेगा, उसी को हम फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन, जो लाइन जो मिल रही है जहां पर डाई मिल रही है उसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। तो एक तरह से वो पार्टिंग लाइन इसमें कहां पर आएगी? तो वो मान लो आधा हिस्सा यहां पर होता है तो वो पार्टिंग लाइन हमारी यहां पर है, इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर वाली डाई में है इंप्रेशन उसका, और नीचे वाले का, नीचे वाला हिस्से का नीचे वाली डाई में है। तो इस पार्टिंग लाइन के ऊपर जो एक्स्ट्रा मेटेरियल निकलेगा उसकी विड्थ हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी 20 mm, और जो उसकी थिकनेस है वो 3 mm, ठीक है। एक एवरेज वैल्यू है इस साइज के या इतने वजन के एक बोल्ट के लिए। और उसके बाद क्या? सर्कमफेरेंस एट द पार्टिंग लाइन ऑफ डाई। पार्टिंग लाइन ये है। अब इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? यानी कि पूरी लेंथ यहां से ये और ये, फिर उधर की तरफ, फिर ये वाली, फिर इसके बैक में इस तरह से। तो पूरी लेंथ जो है वो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी इसकी फ्लैश लॉस की, समझ रहे हो ना। तो मान लो वो पूरी की पूरी इस टाइप से है, तो ये फ्लैश जो है वो बाहर निकला है हमारा डाई से। तो इसकी वॉल्यूम अगर निकालनी हो तो हमें इसकी थिकनेस पता होनी चाहिए एक तो, ठीक है। तो थिकनेस तुम्हारे को दे रखी है 1.3 mm, ठीक है, और जो है इसकी विड्थ दे रखी है हमारे को ये 20 mm दे रखी है, और लेंथ ये फिर हम मेजर कर लेते हैं तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कितनी आएगी सर्कमफेरेंस की? पहले तो निकालते हैं सर्कमफेरेंस कितना होगा। देखो 80 mm ये, ठीक है, और 20 mm ये, टोटल लेंथ अगर देखें इधर से तो 80 + 20, और सेम इतनी ही लेंथ उधर से भी काउंट होगी 80 और 20, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। प्लस में क्या होगा 25 ये वाला, ठीक है, ये वाला +25, और प्लस में क्या होगा ये इसके पीछे और उधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 50। देखो ये तो हो गया 20 भी हो गया, ये 80 भी हो गया, 25 भी हो गया, ठीक है, और इसके पीछे के साइड ये 80 भी हो गया और ये 20 भी ले लिया हमने। अब बचा कौन सा? ये 50, ठीक है, +50। अब क्या बचा? ये वाला, ये कितना है? ये 25 है और ये 50 है, तो बचा कितना इसमें? 25 तो चला गया, तो 50 में से 25 गए, 25 ही बचे, तो प्लस, अगर मैं इसको लिखूं, अगर केवल इतना अगर देखूं तो कितना है 50 - 25 का हाफ है ये, ठीक है, 12.5 - 12.5, ठीक है, तो 25 के बराबर ये हो जाएगा। समझ लो, इसको देख लेना कितना है, ये दोबारा देख लो, ये वाली जो लेंथ निकालनी है हमने ये कितनी होगी? टोटल तो 50 है लेकिन इसमें से 25 ये अगर कम हो जाए तो 25 ही बचेगी ना ये, तो ये हमने इधर ऐड कर दी, और पीछे वाली 50 पूरी थी हमने यहां ले ली, तो टोटल कितनी आ रही है ये
टोटल आ जाएगी ये 300 mm, ठीक है, या 30 सेंटीमीटर। इनको भी सेंटीमीटर लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्लैश लॉस किसके बराबर हो जाएगा, टू इंटू 0.3 इंटू 30, कितना हो गया 60 इंटू 0.3, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 60 इंटू 3/10, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। एक बोल्ट के लिए हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब फ्लैश में चला जाएगा, ठीक है। तो इस इतना वॉल्यूम तो फ्लैश लॉस में चला गया। तो बच्चों ये फ्लैश लॉस 18 सेंटीमीटर क्यूब पर बोल्ट आ गया हमारे पास, एक बोल्ट के लिए इतना सेंटीमीटर क्यूब फ्लैश लॉस में चला जाएगा वॉल्यूम, और 2000 बोल्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए फ्लैश लॉस कितना हो जाएगा इंटू 2000, 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतने वॉल्यूम का वेट कितना हो जाएगा, 36,000 × 7.85 / 1000, ये डेंसिटी हो गई, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और 36,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फ्लैश लॉस आएगा 282.6 kg आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्केल लॉस की। तो स्केल लॉस की एक रेंज दे रखी है हमें, इतने परसेंट के करीब जो है उसमें स्केल लॉस में चला जाता है, तो एक एवरेज वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं इस साइज के लिए 7.5% ऑफ नेट वेट। अब नेट वेट हमारे को दे रखा है 1400 kg, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7.5% × 1400, तो कितना हो जाएगा 7.5 × 1400 / 100 = 105 kg। ये कितना हो जाएगा, ये स्केल लॉस, ये क्योंकि हमने नेट वेट टोटल नेट वेट का लिया है, ठीक है ना, तो सभी जितने भी बोल्ट दोस्त ये 2000 बोल्ट के लिए इतना केजी जो है स्केल लॉस में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब तीसरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड लॉस, तो ये दो नोट कर लो, 282.6 and 105 kg। तो ये हो गया 282 और दूसरा 105, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड लॉस, अब इसके लिए क्या बता रखा था कि भाई जो लेंथ है उसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लेंथ रखते हैं, वो 25 mm के करीब रखते हैं, ठीक है। तो 25 लेंथ ऑफ होल्ड कितना रखेंगे, टोंग होल्ड कितना रखेंगे हम 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि इसको होल्ड करने के थोड़ा आगे हम इसको टोंग होल्ड रखेंगे तो ये कितनी एक्स्ट्रा लेंथ हम उसमें 2.5 सेंटीमीटर की ले लेंगे, तो इतनी लेंथ की वॉल्यूम कितनी होगी, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ टोंग होल्ड लॉस कितनी हो जाएगी, लेंथ तो हमारे पास ये हो गई। अब डाया हमारे को दे रखा उस का जो स्टॉक का डाया 50 mm, ठीक है ना, उसी के तो लेंथ इतनी लेनी है ना, तो पाई बाय 4 × 2.5 square × 50 mm है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो डाया दे रखा हमारे को 50 mm, ठीक है, तो इसको निकाल लो कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 49.09 क्यूबिक मीटर, पर बोल्ट ये याद रखना, ये एक के लिए है, और 2000 के लिए हो जाएगा
49.09 इंटू 2000, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 98180 सेंटीमीटर क्यूब, 98180 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट कितना हो जाएगा टोंग होल्ड लॉस में, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 98180 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो, नाइन एट वन एट जीरो इंटू 7.85 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 770 अप्रोक्सीमेटली 770 केजी इसका वेट आ जाएगा। तो ये हो गया टोंग होल्ड लॉस। तो इसको भी इधर एक बार नोट कर लेते हैं, एक दो तीन, ये आ गए ना, इसको नोट कर दे, इसको बाद में हमने टोटल करना, टोटल लॉस कितना हुआ। ठीक है, अब कौन सा रह गया, स्क्रू लॉस। स्क्रू लॉस पता हो, स्क्रू क्या है, जो टोंग होल्ड बनाया और जो मेन जो हमारा कंपोनेंट है उसके बीच में उसको कनेक्ट करने के जो लेंथ चाहिए वो स्क्रू लॉस में जाएगी। ठीक है, तो स्क्रू लॉस कितना लेंगे, उसके भी एक एवरेज सी वैल्यू दे रखी है, तो 5% ऑफ नेट वेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 1400, 70 केजी स्क्रू लॉस में चला जाएगा। ठीक है, 70 स्क्रू लॉस में चला गया। और फिर पांचवा क्या है, कट वेस्ट लॉस्ट, कट वेट, कट वेस्ट लॉस। याद होगा जब हम पूरी एक लेंथ को हम यूज कर रहे हैं, काटते गए काटते, लास्ट में जो बचेगा वो किसी काम का नहीं, अगर वो हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ उससे कम है तो उसको हम बोलते हैं कट वेस्ट लॉस्ट। प्लस में जो हम साइंग कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मेटीरियल लॉस्ट हो जाता है। तो इसको कितना लेंगे हम, इसको भी 5% अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ नेट वेट। तो ये भी 70 केजी हमारा ये हो जाएगा 2000 बोल्ट्स के लिए, क्योंकि नेट वेट हम 2000 बोल्ट्स का ले रहे हैं, तो ये भी 70 केजी, ये भी 70 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए सारे लॉसेस। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस वेट, ग्रॉस वेट विल बी इक्वल टू नेट वेट 1400 प्लस लॉसेस जो थे वो, उनका टोटल लॉसेस कितना है, पहले तो टोटल लॉसेस ही लिख लो, टोटल लॉसेस फॉर 2000 बोल्ट। ठीक है, 282.6 प्लस 105 प्लस 770 प्लस 70 प्लस 70, तो ये कितना हो जाएगा, 282.6 प्लस 105 प्लस 7 प्लस 70 प्लस 70, आ जाएगा 1297.6 केजी। इतना जो है हमारा लॉस में चला जाएगा। तो ग्रॉस वेट कितना हो जाएगा, ग्रॉस वेट का मतलब जो मेटेरियल हम खरीदेंगे इनको बनाने के लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि लॉस भी कवर करने हैं। ठीक है, तो ग्रॉस वेट कितना, नेट वेट कितना, 1400 प्लस 1297। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 1400, तो ये हो गया 2697.6 केजी। तो ये दूसरा वेट भी आ गया, तो ग्रॉस वेट भी आ गया और नेट वेट भी आ गया। तो मोटा मोटे आप देखोगे अगर इसमें, तो काफी कुछ तो हमारा जो है लॉस में चला गया, ऑलमोस्ट 50% जो है वो हमारा इसका टोटल ग्रॉस वेट का 50% तो हमारा लॉस में ही जा रहा है। ठीक है ना, चलो अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो बच्चों उसने तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या पूछी है, लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड।
ये वो पूछना चाह रहा है कि अगर हमें 2000 बोल्ट इस साइज के इसी शेप के बनाने हों और उसका डायमीटर जो रॉ मटेरियल जो स्टॉक अवेलेबल हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है, उससे हमने ये बोल्ट बनाने हैं 2000, तो उसके लिए हम कितनी लेंथ खरीदें ताकि 2000 पीस ये भी बन जाए प्लस में जो लॉसेज हो वो भी निकल जाए, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ हमें निकालनी है, मेटेरियल कितना चाहिए। अब लेंथ का रिलेशन है वॉल्यूम से, वो कैसे आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टॉक इनटू लेंथ ऑफ द स्टॉक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे को डायमीटर दे रखा है उससे मिल जाएगा, ठीक है। एक हमें वॉल्यूम चाहिए, अब वॉल्यूम का किससे रिलेशन है, वो वेट से है, ठीक है। अगर ग्रॉस वेट हमें पता तो हम ग्रॉस वॉल्यूम भी निकाल लेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी ना। तो वो क्या रिलेशन है, वो डेंसिटी के साथ रिलेशन है। डेंसिटी आपको पता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो उससे हम जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी अगर हमें ग्रॉस वेट पता है, तो ग्रॉस वेट कितना है, 2698 kg अप्रोक्सीमेटली, हमारे को इतना ग्रॉस वेट हमने कैलकुलेट किया है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ग्रॉस वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, हमने कितनी अज्यूम कर रखी है, 7.85 के ग्राम पर सीसी, इसको 1000 से हम डिवाइड करें तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस वॉल्यूम, आ जाएगी ये हो जाएगी 2698, 1000 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 7.85, ये आ जाएगा हमारे पास 34 36 94 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली हमारे को इतनी ग्रॉस वॉल्यूम चाहिए इस ग्रॉस वेट के हिसाब से, ठीक है। अब ये है किसके बराबर, मैंने बताया कि एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, वी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ए किसके बराबर है, पाई बाय 4, जो डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.14117 × 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 19.63, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, देखो 3.14694 इज इक्वल टू 19.63 × लेंथ। तो लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, थ्री फोर थ्री सिक्स नाइन फोर डिवाइडेड बाय 1963, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 19.63 कितना आ गया, ये 17,508.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी लेंथ जो है हमारे को चाहिए स्टॉक की, और मीटर में कितना हो जाएगा, ये 17.175.08 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट, 100 से डिवाइड कर दिया, तो इतना लेंथ चाहिए हमारे को। ये आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, ये वाला बार बार जरूरत पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि लेंथ कितना चाहिए स्टॉक का या वॉल्यूम कितना चाहिए, तो वो हमें इस तरह से कंपैरिजन करके निकाल लेना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या पूछी उसने, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच एक्सेप्टेबल बोल्ट इफ 5% ऑफ द फॉर्जिंग्स आर रिजेक्टेड एंड रेट ऑफ बार इज 13,000 रुपीज पर टन, ये दिया। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट निकालनी हमने, किसके निकालनी, जो एक्सेप्टेबल
बोल्ट हैं, ठीक है, और 5% रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन रेट क्या है? 5%। तो एक्सेप्टेबल बोल्ट कितने हो जाएंगे? बोल्ट आउट ऑफ 2000, अगर 2000 हमने बनाए हैं ये स्क्वेयर हेडेड बोल्ट, तो उनमें से एक्सेप्ट कितने होंगे? 5% तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है, तो हो जाएंगे 2000 इंटू 0.95, ठीक है ना, यानी कि 95% एक्सेप्टेबिलिटी है ना उसकी, तो इतने उसके एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1900 बोल्ट जो है वो एक्सेप्ट होंगे, तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट इन पे ही अप्लाई होगी वो 1900 बोल्ट, ठीक है ना। तो अब जो रेट ऑफ मेटेरियल दिया है, रेट ऑफ मेटेरियल वो कितना दिया है? 13,000 रुपए, ₹13,000 पर टन, ठीक है, एक टन में 1000 होता है, ठीक है, तो रेट पर केजी कितना हो जाएगा? 13,000 डिवाइड बाय 1000, 13 रुपीज पर केजी जो है हमारे को वो मेटेरियल मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कितनी है? तो ग्रॉस वेट इनटू रेट पर केजी, ठीक है ना, तो ग्रॉस वेट हमारा है कितना? 2698, रेट कितना है? 13, तो कितना आ जाए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कितनी आ जाएगी? 2698 इंटू 13, ये आ जाएगी 35074 रुपीज इतनी हमारा जो है टोटल जो है कॉस्ट आ जाएगी मेटेरियल की, जो हमने मेटेरियल खरीदा उसकी, और उस मेटेरियल से बोल्ट कितने बन पाए? 1900, ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट एक बोल्ट की कितनी हो जाएगी? ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल बोल्ट 1900 टोटल बोल्ट थे, और ये आगे टोटल, तो 3577 डिवाइडेड बाय 1900 कितना हो जाएगा? 35074 डिवाइडेड बाय 1900, तो एक बोल्ट जो हमारा बनेगा वो उसके मेटेरियल कॉस्ट आएगी 18.46 रुपीज। तो ये हमारा आंसर एक डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट का ये आ गया, समझ रहे हो इस बात को? तो ये पॉइंट समझ लेना, मेटेरियल तो हमने 2000 के लिए खरीदा था, लेकिन उसमें से बने सही तरीके के तो 1900 वोल्ट बने ना, तो बेच तो हम 1900 वोल्ट ही सकते हैं, तो जिसको बेचेंगे उसी पे तो मेटेरियल कॉस्ट जोड़ेंगे, वो तो बाकी तो रिजेक्शन में चला गया, ठीक है। 1900 वोल्ट का जो है 1900 वोल्ट के लिए मेटेरियल खरीदा हमने 3577 रुपए का, ठीक है, तो एक बोल्ट कितने का है? 18.46 रुपए का, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 18.46 एक बोल्ट के लिए। तो बच्चों चौथी जो चीज पूछी है वो पूछी उन्होंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर ईच एक्सेप्टेबल बोल्ट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने बन रहे हैं? 2000, एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं? हमने 5% रिजेक्शन बताया था ना, तो वो है 1900, ठीक है। तो जो लेबर जो काम कर रही है वो तो 2000 ही बोल्ट बना रही है ना, उनको पैसे तो 2000 बोल्ट बनाने के ही देने पड़ेंगे, लेकिन वो चार्ज जो करेंगे वो पैसा जो उनका वो करेंगे 1900 बोल्ट पे, क्योंकि बिकेंगे तो 1900 ही बोल्ट हमारे, एक्सेप्ट तो 1900 ही हो रहे हैं ना, जैसे मेटेरियल कॉस्ट में था वैसे ही इसमें भी जो चार्ज करेंगे हम वो 1900 बोल्ट पे करेंगे, ठीक है।
अब लेबर कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेबर चार्जेस क्या है। तो लेबर चार्जेस हमें क्या दे रखे हैं, हमारे को बताया उन्होंने कि चार तो स्मिथ हैं और चार स्ट्राइकर हैं। तो स्मिथ्स का जो रेट है लेबर चार्जेस फॉर स्मिथ कितना दे रखा है, ये दे रखा है रुपीज 8 पर आवर पर स्मिथ, यानी चार कहिए एक बंदे का है, एक घंटे का 8 रुपए मिलते हैं, ठीक है पर स्मिथ। और लेबर चार्जेस फॉर स्ट्राइकर रुपीज 4 पर आवर पर स्ट्राइकर, तो ये हमारे को लेबर चार्जेस दे रखे हैं। अब इसको 1900 वोल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करें वो हम देखते हैं। तो ये देखो इन्होंने ये बताया है कि ये दो बंदे मिलके चार स्मिथ और चार स्ट्राइकर मिलके एक दिन में 200 वोल्ट बनाते हैं, ठीक है ना, और एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं और इस रेट पे काम करते हैं, ठीक है। तब इसमें देखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड पर डे, इन्होंने एक दिन में कितने बोल्ट बनाए 200, अगर ये एक दिन में 200 बना रहे हैं तो 2000 कितने दिन में बनाएंगे, टू थाउजेंड बोल्ट इनके लिए कितने हो जाएंगे, अगर 200 बना रहे हैं एक दिन में तो 2000 कितने दिन में बनाएंगे, वो 2000 डिवाइडेड बाय 200 10 डेज में, ठीक है ना, 10 दिन में बनेंगे उनसे ये 2000 बोल्ट, ठीक है। तो 10 दिन में अगर ये बना रहे हैं तो 10 दिन में फिर पेमेंट कितनी गई ये देखना पड़ेगा। तो 10 दिन में जितने हमने इनको पे किया है लेबर को वही चार्ज हम 1900 वोल्ट के लिए करेंगे, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है ना। 2000 तो इन्होंने बनाए 10 दिन में लेकिन एक्सेप्ट हुए 1900, यानी कि 10 दिन में 1900 ही एक्सेप्ट हुए और 10 दिन काम किया तो उसकी पेमेंट हम इससे निकालेंगे भी पर डे हम उनको कितना पैसा दे रहे हैं, 10 दिन में हमने उनको कितना पैसा दिया, जो जितना पैसा उनको दिया वो 1900 बोल्ट पे हम पर बोल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पेमेंट मेड टू लेबर इन 10 डेज ये हमें निकालनी पड़ेगी, कितनी पेमेंट हमने 10 दिन में की, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक दिन की पेमेंट निकालते हैं इनकी, ठीक है, तो फिर हम 10 दिन की भी निकाल लेंगे। तो दो तरह के हमारे पास, एक तो स्मिथ्स हैं और स्ट्राइकर हैं। तो पहले हम स्मिथ का ले लेते हैं, पेमेंट मेड टू स्मिथ, स्मिथ्स कितने स्मिथ हैं, चार स्मिथ्स को पेमेंट मेड टू स्मिथ्स पर डे कितने दे रहे हैं। अब देखो कितना देंगे, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे और एक घंटे की पेमेंट कितना है 8 रुपए, ठीक है। तो 8 घंटे काम किया और 8 रुपए उसका रेट था, ठीक है। तो ये तो एक का हो गया और बंदे कितने लगे हैं इसमें स्मिथ में 4, तो ये टोटल पेमेंट हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी आप निकाल लो 256 रुपए, ठीक है 256 रुपीज 256 चारों को, चार बंदों को हमने दी, ठीक है। अब आ जाओ पेमेंट मेड टू स्ट्राइकर्स पर डे। अब देखो
8 घंटे एक दिन में काम करते हैं और 4 रुपए एक घंटे का रेट है उनका, और 4 बंदे हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 घंटे, 4 रुपए रेट और 4 बंदे, कितना हो गया? 128 रुपए पर डे। ठीक है, तो स्मिथ्स और स्ट्राइकर्स दोनों को एक दिन के, मतलब 4 स्मिथ्स और 4 स्ट्राइक्स को, स्ट्राइकर्स को एक दिन में हम कितने पैसे दे रहे हैं? 256 जमा 128। लेबर, तो लेबर कॉस्ट पर डे कितना हो गया? स्ट्राइकर्स का हो गया 256 प्लस 128, कितना आ जाएगा ये? 1 रुपीज 384, एक दिन की पेमेंट है 384 रुपये। ठीक है, लेबर कॉस्ट फॉर 10 डेज, 10 दिन में बना रहे हैं ना वो 2000, तो 384 × 10 ये कितना हो जाएगा? 3840। तो 10 दिन में हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 3840। समझ गए? 3840 हम 10 दिन में उनको पेमेंट कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट फॉर 10 डेज 3840। ठीक है, और 10 दिन में एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने हैं? ठीक है, बना तो रहे हैं 2000, लेकिन एक्सेप्टेबल कितने हैं? 10 डेज, 10 डेज में ही बनाए थे ना 2000, उनमें से 1900 एक्सेप्टेबल हुए, 1900। ठीक है, यानी कि जो लेबर कॉस्ट है वो इतने के लिए है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो लेबर कॉस्ट ये भी 10 दिन में बने हैं, पेमेंट भी 10 दिन की दी है, तो 1900 की पेमेंट दी है एक तरह से, ये समझ लो आप। लेबर कॉस्ट फॉर 1900 बोल्ट्स 3840। फिर लेबर कॉस्ट पर बोल्ट, ये एक्सेप्टेबल बोल्ट है, ये वाले 1900 बोल्ट क्या है? एक्सेप्टेबल बोल्ट है, एक्सेप्टेड बोल्ट कर दो, पर एक्सेप्टेबल बोल्ट 3840 बटा 1900। ठीक है, तो कितना आया? लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना ये, पर एक्सेप्टेबल बोल्ट इज इक्वल टू, इसका कितना आ जाएगा? 2.02 रुपीज, 2.02 ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल बोल्ट, 2.02 रुपीज। ठीक है, तो ये डी आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये स्टेप वाइज और लॉजिकली आप सोचोगे तो ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारा, जो पूछा उसने क्या पूछा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल बोल्ट इफ ओवरहेड चार्जेस आर 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल बोल्ट ये निकालना हमने। अब इसके लिए हमारे को क्या डाटा दिया है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल बोल्ट इफ ओवरहेड चार्जेस आर 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये इन्होंने दिया है। एक तो आपको लेडर ऑफ कॉस्ट से आपको ध्यान होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती किसके बराबर है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड चार्जेस, याद है आपको? ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट किसके बराबर है ये भी पता होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, याद है? तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट तो हम निकाल ही चुके हैं,
है ना। तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट कितनी आई थी हमारी, ठीक है, तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 18.46 रुपए पर एक्सेप्टेबल बोल्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 2.02 रुपीज पर एक्सेप्टेबल कॉस्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू प्राइम कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल पोस्ट बोल्ट एंड ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 18.46, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 2.02। तो ये कितना हो गया 20.48 रुपीज प्राइम कॉस्ट हमारी ये आ गई, ठीक है। ये प्राइम कॉस्ट है। ओवरहेड चार्जेस के बारे में क्या बताएं, ओवरहेड चार्जेस आर 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। 100% मतलब उतना ही जितना प्राइम कॉस्ट है उतने ही ओवरहेड चार्जेस हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20.48। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पर एक्सेप्टेबल बोल्ट 20.48 + 20.48 कितना हो जाएगा 40.96 पर एक्सेप्टेबल बोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा पांचवा आंसर भी आ गया, तो सारे आंसर आ गए हमारे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इसलिए किया कि इसमें बहुत तरह के चीजें कवर हो रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आ गई, मेटेरियल कॉस्ट भी आ गई, मतलब काफी कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो काफी चीजें हमारे को कैलकुलेट करनी आ जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमें अगर कुछ करना है तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जरूर कर लेने चाहिए। इसमें कैलकुलेशंस भी हैं, ठीक है, और वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, तो सारी चीजें हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान से देखना, और काफी लेंथी है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा देखना और पूरा का पूरा करके देखना। इसको करने के बाद आपको बाकी सारे न्यूमेरिकल्स जो छोटे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक खत्म होता है फोर्जिंग शॉप का, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉप में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।